नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर में लॉकडाउन की वजह से अंग्रेजी और देशी शराब की दुकानें बंद हैं, लेकिन अब गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है। आपको बता दें कि काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब का कारोबार चिरमिरी के सभी वार्डों में बेचने की खबर मिल रही है। चिरमिरी पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा इस अवैध महुआ शराब पर कोई ठोस कदम न उठाने के कारण गली मोहल्लों में ये धंधा काफ़ी जोर पकड़ चुका है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बेरोजगार रोजमर्रा के काम आने वाले बड़ी मात्रा में इस अवैध शराब के धंधे में जुड़ चुके हैं, जिनके चलते जगह जगह पर अवैध शराब बेची जा रही है। जो अवैध महुआ शराब के नाम से जड़ी बूटी या पेड़ों की छाल को डालकर महुआ शराब के नाम पर धड़ल्ले से बेच रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर समय रहते हुए इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो किसी भी अनहोनी घटना के होने की आशंका है।